सो हेलो गाइज, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग गाइज। तो गाइज आज से वेलकम बैक भाई कहना खत्म, आज से ना मैं गुड मॉर्निंग कहूँगा आपसे, क्योंकि ना दुनिया अपडेट होती है गाइज, तो मैं भी अपडेट होऊंगा। तो आज से आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग गाइज। सुबह के बज रहे हैं 6 और गाइज आपको पता है रोज़ की तरह हम बाग की तरफ आते हैं, लेकिन आज गाइज हमने बाग कर दिया मिस गाइज और हम आ गए और किसी तरफ गाइज। तो गाइज आपको दिखा सकते, देखो मेरे जस्ट सामने वो हो गया बाग गाइज। देखो मेरे सामने देखो सूरज दिख रहा है बाग के पास ही गाइज। और मैं आपको दिखा दूँ, देखो मैं आया हूँ इधर की साइड कच्चे रोड पे हूँ गाइस, अभी देख लो चारों तरफ गाइस। तो गाइस मैंने आज बाग की तरफ तो जा ही रहा था, लेकिन मैंने सोचा मैंने क्यों ना यार रोज बाग की तरफ जाते हैं, आज ना किसी और तरफ डोलने चल रहे हैं, क्या पता किसी और तरफ कुछ मिल जाए, यानी उस तरफ कैसा होगा कैसा नहीं गाइस। तो गाइस यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा जाता, क्योंकि ना बाग ही अच्छा है गाइस, क्योंकि वहाँ पर बैठने की सुविधा वगैरह अच्छी रहती है गाइस, और यहाँ पर कुछ बैठने की सुविधा ही नहीं गाइस। यहाँ पर तो खाली रोड है गाइस, ये देख लो ये टोटली रोड है गाइस, बेकार सा रोड, इधर भी रोड है गाइस और कुछ भी नहीं गाइस, इधर बंदा भी नहीं दिख रहा कोई भी गाइस, आप देख सकते हो टोटल खाली खाली दिख रहा चारों तरफ गाइस। एक बाग ही अच्छा है जहाँ बैठने की सुविधा है गाइस। तो इसमें आ गया था, लेकिन अब तो आ गया तो आ गया, लेकिन अब मैं शायद आऊँगा नहीं बाग में जाया करूँगा यार। देखो पहले तो ना मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, उल्टा पकड़ा लटक लेता हूँ और बहुत कुछ कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस आज मेरा ना नींव का दातुन करने का मन कर रहा है गाइस। तो गाइस यहाँ पर और पास कहीं पर नींव नहीं है गाइस, तो मुझे थोड़ा सा आगे चल के वहाँ से नींव लेना पड़ेगा और दातुन करूँगा, क्योंकि ना बहुत टाइम से मैंने नींव का दातुन किया नहीं गाइस। तो गाइस यहाँ पर और पास नींव भी नहीं है गाइस, वहाँ पर बाग में तो नींव भी हुआ करते थे। तो गाइस अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे, वहाँ से नींव का दातुन लेता हूँ एक गाइस। तो हम जा ही रहे थे, तो बीच में ना हमारे चाचा मिल गए गाइस ये मट्टी भरते हुए, तो ये बोल रहे थे कि अभी जा मत, मेरे को मट्टी वगैरह उठवा के जाना। तो अब हम ना इन्हें मट्टी वगैरह उठवा के तब जाएंगे, क्योंकि ना ये अकेले आए हुए हैं लीपने के लिए मट्टी, हमें भी कभी चांस पड़ जाता है तो सही है, ऐसा किसी का काम करवा देना चाहिए। तो ये मट्टी भर ले फिर उनके बाद उठा कर इन्हें रख के घर भेज देंगे, नहीं तो गाड़ी वाड़ी भी लाए हैं ये, तो बस इनको थोड़ा सा मट्टी भरने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ना गुटखा वुटखा खा रहे हैं, गुटखा वुटखा खा के ना फिर मट्टी उठाएंगे गाइस। तो गाइस ये देखो गाड़ी से मट्टी लेने आए हैं गाइस ये एंचू, अब तो यार दुनिया अपडेट हो गई है एंचू, पहले ना ये मोड़ से लेके जाते थे और अभी देखो गाड़ी से। हाँ यार इनके ये ब्याह में मिली थी गाड़ी, मतलब तो ऐसे फटाफट से भर लें फिर इनको उठवा देते हैं। तो गाइस देख सकते हो इनको मतलब उठवा के पूरा रखवा दिया और चले भी गए गाइस, ये अब जा रहे हैं घर पे, अब हम चलते हैं। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अभी अपने प्लॉट पे गाइस, तो आज हमारे प्लॉट पे हो रहा है काम स्टार्ट गाइस। तो गाइस मैंने अभी दूसरे वाले जो हमारे प्लॉट के घर के सामने घर है ना गाइस, उस घर में आ गया हूँ गाइस बकरों के बीच में गाइस। तो गाइस आप देख सकते हो कितने सारे बकरे हैं गाइस यहाँ पे, देखो कितना प्यारे प्यारे बकरे हैं गाइस, देखो बहुत सारे बकरे हैं गाइस। तो इनके घर में ना ये बकरे पालते हैं गाइस, सारे बकरे इनके हैं गाइस, देखो गाइस ओहो मुझे अच्छे लगते हैं गाइस। पर गाइस मेरे यहाँ भी बहुत है गाइस, लेकिन अभी ना अभी बेच दिए, जब छोटा था ना मैं बहुत चराता था गाइस। इसका मुंह देखो, इसका मुंह देखो, है ना गाइस बहुत सारे हैं। तो गाइस मैं इसलिए आया था इस वाले घर में, क्योंकि ना मुझे ना इस वाले घर में ना समर है, और गाइस इस वाले घर में ड्रामा गाइस, ऐसे लाट के लिए पानी पानी चल जाता है ना, तो ड्राम होता है ना टब वाला, तो उसके उसको भरने के लिए यहाँ पर समर और ड्राम दोनों चीज़ें गाइस। तो इसलिए मैं यहाँ पर ड्राम लेने आया हूँ गाइस, तो ड्राम तो बाहर है थोड़ा सा और ये कमरे के अंदर है गाइस। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बकरों से मतलब यहाँ पर मिलजुल लें, तो इस बकरों से तो मिल लिए गाइस और अपना काम करते हैं, क्योंकि बाहर काम स्टार्ट हो चुका हमारे प्लॉट में गाइस। तो गाइस ये गया पाइप, पाइप तो मिल गया गाइस, अब हमें ना ड्राम लेना है, ड्राम देखना है ड्राम है कहाँ पे गाइस। तो बकरे तो मजे से खेल रहे हैं गाइस, देखो बकरे को मैं एक चीज़ दिखा दूँ तुम्हें, देखो बकरे ना गाइस इसके अंदर रहते हैं, देखो इसके अंदर रहते हैं बकरे, इसके अंदर खाते हैं पीते हैं, और ये दरवाज़ा है इनका, तब यहाँ से ये घुसते हैं हुई और यहाँ से बाहर निकल आते हैं, तो यहीं ये मस्त डोलते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है गाइस इन्हें। तो गाइस हम अपना ड्राम लेके निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस ये देखो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, देखो सारे सारे देख लो भाई साहब निकल आए ना गाइस, अगर ये निकल आए ना तो गाइस मैं रोक नहीं पाऊँगा गाइस, ये देखो देखो देखो। तो गाइस मैं जल्दी से बंद कर देता हूँ, देखो बाय 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 बकरे। तो गाइस ये गया ड्राम गाइस, जो हमें ड्राम चाहिए गाइस, तो इसके अंदर कुछ बोरे हैं, तो गाइस मुझे निकाल के ऐसे करने पड़ेंगे इधर की साइड गाइस। तो गाइस ये देख सकते हो इसके साइड कितने बोरे हैं गाइस। तो गाइस हम बैठे हैं अभी अपने पंचायती घर में और कर रहे हैं लाइट का पेंट गाइस। तो मैं बता दूं कि आपको मेरा आज प्लॉट का काम है बाहर स्टार्ट हो गया, लोग मतलब कर रहे हैं गाइस। तो गाइस तो सब आपको बताया कि सबसे पहले ना अगर हमें काम स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले तो पानी चाहिए, क्योंकि वो सीमेंट वगैरह बनाना है और ईंटों पर पानी भी तराई भी करनी है गाइस। तो इस वजह से पंचायत घर में बैठे हैं लाइट का वेट कर रहे हैं गाइस, और हमारा बाहर काम तो स्टार्ट हो ही गया, तो अभी देखते थोड़ी बहुत देर में लाइट आएगी कि नहीं आएगी। तो
गाइस लाइट आ चुकी है और हम आ गए बटन दबाने के लिए। तो गाइस मैं हम आ चुके हैं अभी अपने पुराने वाले घर में गाइस, यानी हमारे जो दीदी घर है उसमें आ चुके हैं गाइस। तो आपको पता है कि हमारे प्लॉट पर चल रहा है अभी काम गाइस, तो वहाँ पे ना पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है पानी की, तो वहाँ पे एक ही ड्रम है, सो वो मतलब लाइट चली जाती है तो वो खाली हो जाता है बहुत जल्दी। तो गाइस यहाँ पर रखा है एक ड्रम गाइस, तो हम इसलिए आए थे उस ड्रम को लेने के लिए गाइस। तारा खोल के देखता हूँ अंदर कहाँ मिलता है हम गाइस। तो गाइस ये मुझे बाहर लगाना पड़ेगा गाइस, कैसे लगा लूँगा देखता हूँ पहले, इसमें कुछ है तो नहीं। तो गाइस मैं बता दूँ मैंने ड्रम खाली कर दिया, आप देखा देख सकते हो ये हो गया ड्रम खाली। तो इसमें ना एक दरी निकली है और एक दो रजाई निकली है गाइस। तो गाइस ये ना सारा सामान धूल मिट्टी से बेकार हो जाएगा, तो मैं इस चादर से इसे ढक देता हूँ अच्छी तरह से, जो कि ये बेकार ना हो। तो गाइस ड्रम बाहर लगा लिया और उसका कपड़ा का भी तारा लगा दिया है, और अब ना यहाँ से लेकर वहीं पर चलते हैं, क्योंकि ना यार वैसे भी ना वहाँ पर काम चल रहा था, यहाँ पर ज़्यादा बैठेंगे नहीं क्योंकि अभी हवा तो अच्छी चल रही है, मन तो कर रहा है लेकिन बैठ नहीं सकते, वहाँ पे ड्रम की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है गाइस इस वजह से। तो पहुँचते हैं घर, यानी घर में गाइस प्लॉट पे। तो आप देख सकते हो कि मतलब प्लॉट पर काम चल रहा है और गाइस ये सभी लोग भाई लोग हमारे कर रहे हैं काम, तो इतनी ज़्यादा घाम है गाइस। और देखो ये तीन दो एक मिस्त्री है, दो मतलब इनको काम करने वाले हैं गाइस। तो गाइस ये अभी वहाँ पर ही थोड़ा सा हम सी रकम बैठ जाते हैं, क्योंकि ना हमें बहुत ज़्यादा तेज घाम लग रही है गाइस। ये देखो हम बैठ गए गाइस। तो गाइस यार मैं सोच रहा हूँ 4-5 दिन में हो जाएगा काम, मुझे नहीं लगता 4-5 दिन में हो पाएगा। देखो ये कितने प्यार से कर रहे हैं ना हले हले, लेकिन चलो कर देंगे 4-5 दिन में ना, मुझे पक्का पता है कर देंगे 8-10 दिन में, तो क्योंकि हमने ठेका दे रखा ना इसे यार। तो गाइस यार प्लॉट पर काम चल रहा है गाइस, और वहाँ पर ना धूप पड़ रही थी गाइस, तो हम आ गए थे छाँव में बैठने के लिए पंचायती घर में। तो गाइस यहाँ थोड़ी बहुत देर फोन फोन चलाएंगे, और थोड़ी बहुत देर में ना इंटरवल होने वाला है, यानी छुट्टी होने वाली है, मतलब जो दोपहर में खाना पीना खाए जाते हैं ना उस टाइम भी आए, थोड़ी देर बैठ के फिर चलेंगे घर पर हम। सो गाइस यार आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर सो रहा हूँ गाइस, अभी मैं ना 12 बजे का आया हूँ प्लॉट से, और 12 बजे से ना अभी तक सो ही रहा हूँ गाइस। अभी मेरी अचानक से नींद खुली, अरे यार प्लॉट का तो काम चल रहा है और मैं यहाँ पर सो रहा हूँ गाइस। तो मैं सोचा ना ठेका कर दिया, लेकिन पानी वगैरह के लिए तो चल जाएंगे गाइस। तो गाइस अभी फटाफट से और मैं यहाँ मज़े से सो रहा हूँ गाइस। तो गाइस अब पानी वगैरह पी के प्लॉट पर चलते हैं गाइस, मतलब नींद बहुत ज़्यादा आ गई, 12 बजे से 3:30 बज गई और नींद अब खुली आ गई। रात में भी सोता हूँ इतना ज़्यादा, दिन में भी गाइस नींद बहुत ज़्यादा आ रही है मेरे को अभी। तो गाइस अब फटाफट से चलता हूँ प्लॉट पर। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अभी प्लॉट पर गाइस, शाम का टाइम हो रहा है गाइस। तो गाइस मैं दोपहर में सो के ना गाइस, फिर मैं प्लॉट पर नहीं आया, मैं घर पर ही रह गया था, तो घर पर काम था इस वजह से फिर मैं घर पर ही रह गया था। तो गाइस अभी आया हूँ अपनी माचिस लेके, बिल्कुल अभी एग्जिट गाइस। तो अभी रात सी हो चुकी है गाइस, लेकिन फिर भी मैं आ गया गाइस। गाइस तो गाइस ये ज़्यादा पूरा कबाड़ा हो रहा था, तो मैंने सोचा इसमें ना आँच लगा दूँ गाइस, तो मैं आ गया हूँ अभी आँच लगाने के लिए। तो आप देख सकते हो कि हमने ना इसमें आग जला दी, और आग देख सकते हो इतनी तेज़ जल रही है ना गाइस, बहुत ज़्यादा तेज़। अगर इसके पास भी मैं 2 मिनट के लिए ठंडा होता ना, तो गर्मी और ठंड ठंडा नहीं सॉरी गर्मी तेज लगती है, हम लोग ठंडी बोलेंगे गाइस, हमारी तो ठंड है कि आप ठाड़े नहीं हो पाओगे, मैं तो ठाड़े हो रहा हूँ लेकिन आप नहीं हो पाओगे। इसके पास बहुत ज़्यादा गर्मी है इसके पास, थोड़ा सा दूर हट के वीडियो बनानी पड़ रही है मेरे को, अगर इसके पास रखूँगा ना तो 1 मिनट ना ठहर नहीं पाऊँगा यहाँ। तो गाइस ये ना बहुत सारा कूड़ा हो रहा था इस पर, मतलब प्लॉट पर गाइस, और काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी गाइस। तो ये सुबह से तो मैं जलाया नहीं था, क्योंकि ना यहाँ पे आँच के सामने कोई डट नहीं पाता, गर्मी इतनी ज़्यादा है गाइस। तो अभी शाम का टाइम था, काम बंद था, तो मैंने सोचा अभी इस काम को मैं कर दूँ। तो वैसे मैंने अभी आँच लगा दी गाइस, तो अभी भी ना इतना दूर ठहरा हूँ, फिर भी गाइस देख लो कितनी तेज आँच जल रही है गाइस, बहुत बस थोड़ी देर और गाइस और ये जल के राख हो जाएगी मिट्टी, और गाइस वो गाइस है और ड्रम नहीं जल जाएगी। जब मैं पास जाकर देखता हूँ ड्रम जल गया ना, तो भाई साहब इसका पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे ड्राम को थोड़ा सा दूर है, नहीं तो मेरे को ऐसा लगा था कि ड्राम ना जल जाएगा ही, लेकिन ड्राम से तो बहुत दूर है गाइस, तो ये सही रहा। तो गाइस तो ना आगे जल चुकी है गाइस, मैं इसलिए ठा रहा हूँ कि जब जल जाएंगे तभी जाऊँगा, क्योंकि पता नहीं पड़ता किधर भी यहाँ से लग जाए यहाँ से जाके, तो गाइस किसी का नुकसान हो जाए और हमें देना पड़े, तो इस वजह से ना मैं जब ही जाऊँगा, जब ये सारी आग मतलब देखो गाइस बच चुकी है, बस थोड़ी बहुत और रह रही है, वो भी जल्दी बुझ जाएगी। सो गाइस मैं ना आपको सारी को जला दिया गाइस, सारी आग जल चुकी है गाइस, आप देख ही सकते हो गाइस। तो गाइस ना हमें थोड़ा सा ईंटों का काम है गाइस, यहाँ पर 2 ईंट लेंगे हम घर पे गाइस, तो घर पे इसलिए ईंट ले जा रहे हैं गाइस, क्योंकि हमारा जो मीर है गाइस, हम रीस वगैरह शूट करते नहीं है, तो थोड़ा सा नीचे पड़ जाता है गाइस, क्योंकि हमने उस दीवार पर रख रखा है, किसी पर टांगा नहीं है गाइस कील वगैरह पर, तो हमने रीस वगैरह शूट ढंग से नहीं कर पाते गाइस, इस वजह से ना 2 ईंट रख लेंगे, थोड़ा सा ऊँचा हो जाएगा गाइस, तो गाइस सही रहेगा, क्योंकि ना वो मीर थोड़ा भारी है, तो उसका वजन ना यही झेल पाएंगे, कोई चीज़ झेल नहीं पा रही गाइस। तो यहाँ से बढ़िया ईंट कहाँ मिलेगी गाइस, तो यहाँ से 2 ईंट ले चलते हैं, बढ़िया ईंट ले जाऊँगा इस वाली को ले जाता हूँ।